बॉलीवुड के कंट्रोवर्शियल सिंगर मीका सिंह का घर बसने से पहले ही उजड़ गया है। मीका सिंह ने अपनी मुंहबोली पत्नी आकांक्षा पुरी से रिश्ता तोड़ दिया है। आकांक्षा और मीका दोनों अलग हो गए हैं। मीका सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो और आकांक्षा एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। रियलिटी शो पर रचाई गई मीका और आकांक्षा की शादी एक साल भी नहीं टिक पाई है। मीका ने पिछले साल ही अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए मीका दी वोटी शो में स्वयंवर रचाया था। कई कंटेस्टेंट में से उन्होंने आकांक्षा पुरी को अपना हमसफर चुना था। मीका ने कहा था कि वो और आकांक्षा कुछ समय तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे और इसके बाद ग्रैंड शादी करेंगे। स्वयंवर के बाद शुरुआत के दिनों में मीका और आकांक्षा साथ नजर आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ते हुए दिखी और अब फाइनली मीका और आकांक्षा अलग हो गए हैं। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक मीका सिंह ने इस टूटे रिश्ते पर कहा है, मैं स्वयंवर मीका दी वोटी को करने के लिए सहमत हो गया था क्योंकि मैं वास्तव में शादी करना चाहता था। मेरे सभी दोस्त मुझ पर दबाव बना रहे थे, मुझे स्वयंवर का आइडिया पसंद आया और इसलिए मैंने ये शो चुना। हालांकि आकांक्षा को अपने साथी के रूप में चुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। मैं एक सिंगर हूँ, वो एक एक्ट्रेस है। मीका सिंह ने कहा कि मैं अपने गानों के लिए दुनिया भर में ट्रैवल करता रहता हूँ, जबकि वो एक्टिंग के लिए ज्यादातर एक जगह पर ही रहती हैं। मुझे लगा कि अगर वो एक सिंगर होती तो हम साथ में काम कर सकते थे और एक साथ ट्रैवल भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो एक एक्ट्रेस हैं और उनका काम मेरे काम से अलग है, इसलिए हमने आपसी सहमति से दोस्त बनने का फैसला किया है। मीका और आकांक्षा के रिश्ते की दीवार तभी दिखने लगी थी जब आकांक्षा ने बिग बॉस ओटीटी में कंटेस्टेंट जैद हदीद को लिप लॉक किया था। इसके बाद आकांक्षा बाहर भी जैद के साथ काफी क्लोज नजर आई थीं। हालांकि आकांक्षा ने अभी तक अपनी तरफ से नहीं कहा है कि वो मीका से अलग हो गई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद मीका सिंह के उन फैंस का दिल टूट गया है जो उनके घर बसने का इंतजार कर रहे थे। वेल, मीका और आकांक्षा के अलग होने पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।